खबरें जो भी हो, मगर वरुण धवन है कॉन्फिडेंट अपने मेंटोर के लिए और इसीलिए वो ब्लाइंड फेथ रखते हैं करण जौहर के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो कोई क्लोथिंग ब्रांड कर भी रहे हैं। तो आई थिंक कभी कभी किसी और रूमर जैसा मदर फिल्म मेकर में भी आपको लग रहा होगा कि ये है, पर कोई और होगा शायद। खबरें कुछ ऐसी भी थी कि एक क्लोथिंग ब्रांड ने करण जौहर को वरुण धवन के साथ अप्रोच किया था, बट सोर्सेज की माने तो करण ने इस ब्रांड को ये कहा कि वो वरुण नहीं बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ये ब्रांड एंडोर्स करना चाहते हैं। लेकिन अब खबर जो भी हो, बट वरुण को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। करण जौहर को एक ऑफर था, आया था क्लोथिंग ब्रांड के लिए और उसमें बोला गया था कि वरुण धवन को लेकर आइए, बट मुझे नहीं लगता। हाँ, बट पूरी चीज़ में बताती, बट करण ने बोला कि नहीं, मैं सिद्धार्थ को लेकर आऊँगा तभी ये करूँगा। मुझे तो नहीं, मैंने सुना भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई क्लोथिंग ब्रांड कर भी रहे हैं। तो आई थिंक कभी कभी किसी और रूमर्स या सम अदर फिल्म मेकर में भी आपको लग रहा होगा कि ये है, पर कोई और होगा शायद। सो वो कभी आप बोल नहीं सकते, तो आई थिंक इट्स नॉट ट्रू। बॉलीवुड में वरुण को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में इतना बड़ा ब्रेक देने का कुछ तो फायदा मिला करण जौहर को। अब ये बात करण ने कही हो या फिर किसी और ने, बट वरुण को है पूरा ट्रस्ट अपने इस मेंटोर पर। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।